एक प्रयोग है खाद्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति को प्रदर्शित करना। कोई भी खाद्य सामग्री लेंगे आप, उसमें स्टार्च है कि नहीं उसका पता करने के लिए एक प्रयोग है। छोटे बच्चों में कक्षा 6 से लेकर 12 तक, आगे भी क्लास में चल सकता है। सिंपल सा टेस्ट है जिसमें स्टार्च युक्त भोज्य पदार्थ चाहिए, और परखनली हो सकता है या कहीं पर भी आप ड्रॉपर की सहायता से आयोडीन विलयन ले सकते हैं। तो ये चीजें होने के बाद आप क्या देखेंगे उसमें, कि 2-3 बूंदें जब आयोडीन घोल आप उस पर डालेंगे, चाहे आलू हो, स्टार्च पाउडर हो, या गेहूं से बनी चीजें हैं, इसमें रोटी है, पराठा है, अन्य कोई खाद्य सामग्री आप ले सकते हैं। अगर नीला काला विलयन उसमें दिखाई देता है, तो आप नीला रंग, डार्क ब्लू कलर, या वो ज्यादा डार्क होता है तो वो काला जैसा दिखाई देता है, तो नीला काला हम उसे कहते हैं। तो उसमें अगर ऐसा रंग आ जाता है तो आप उसे कहेंगे कि इसमें स्टार्च की उपस्थित है। देखिए बच्चों के साथ, बच्चों ने किस प्रकार से स्टार्च का पता लगाया है बच्चों के साथ देखते हैं। टिफिन में क्या है ये? अरे आलू है। आज आलू खाएंगे, तो आलू का एक टुकड़ा आपने इसमें रख दिया, ठीक है। आलू का एक टुकड़ा आपने इसमें रख दिया। ये आलू में आप क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं? आलू में सर इसमें स्टार्च है, स्टार्च है कि नहीं? ठीक है, चलो एक टुकड़ा आपने आलू का इसमें रख दिया। अब आलू का एक टुकड़ा रखने के बाद आप इसमें ज्ञात करना चाहते हैं कि इसमें स्टार्च है कि नहीं। ये देखिए, ये क्या है? आयोडीन सॉल्यूशन है, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन की बूंद निकाली, इससे निकाले एक बूंद निकाले, एक बूंद इसमें डालिए। देखिए देखिए, अब देखिए, ये देखिए, अब एकदम इसमें कलर कैसा आ रहा है? ये दूसरा वाला है। कैसा कलर आ रहा है सर? ये काला काला नीला, काला और नीला, ठीक है, काला नहीं। तो इसका मतलब क्या है? आलू में क्या प्रयोग है? स्टार्च। हाँ, तो इसका मतलब ने दिखाया कि आलू में स्टार्च उपस्थित है। तो इनमें विभिन्न बच्चों ने अभी देख दिखाया कि अपने अपने जो खाद्य पदार्थ जो वो टिफिन में लाए हैं उसमें स्टार्च है कि नहीं। अगर उसमें स्टार्च है तो उसका रंग जो है ब्लू ब्लैक काला नीला उसका रंग दिखाई दे रहा था। यही एक क्या कौन सा सिक्केल है ये? इसमें खाद्य पदार्थ में स्टार्च की मात्रा को, खाद्य पदार्थ में स्टार्च की मात्रा, स्टार्च है कि नहीं है इसका पता लगाना है। स्टार्च तो आप कौन से खाद्य पदार्थ को ले रहे हैं? सर ये पराठा है। ये क्या है? पराठा है ना, रोटी, रोटी जो घर से लाए हैं आपने, उसमें उन्होंने ये किससे बनी है ये रोटी? सर गेहूँ से, ठीक है। गेहूँ का पराठा है या रोटी? सर पराठा, पराठा है, पराठा है या रोटी है, दोनों गेहूँ से बने हैं, ठीक है। उसमें कैसे कर रहा, क्या डाल रही है? सही कर रही है, ये आयोडीन, आयोडीन। तो ये देखिए, ये है आयोडीन, आयोडीन सॉल्यूशन इसमें है। तो ये आयोडीन सॉल्यूशन की एक बूंद आप इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। ये आयोडीन सॉल्यूशन, ये ड्रॉपर में आयोडीन सॉल्यूशन ने भर रखा है। अब ये एक बूंद है इसमें डाल रहे हैं। अब देखिए एक बूंद डाल के देखिए क्या होता है इसका कलर, नजदीक से देखिए। एक बूंद डालने पर तो इसका कलर है देखो बदलने लग गया। यस सर, इसका कलर कैसा हो रहा है? काला नीला, काला नीला हो रहा है। लीजिए करिए, उसमें डालिए, देखो अभी जो रोटी का कलर था वो बिल्कुल चेंज हो रहा है, काला नीला, बिल्कुल काला पड़ गया वो। ये डार्क नीला, जैसे इनकी टाई है, देखिए ये टाई की तरह नीला होने लग गया ये, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? सही, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें स्टार्च, स्टार्च। तो इसमें क्या है? स्टार्च, स्टार्च पाया जाता है। तो जो भी प्लांट प्रोडक्ट है, गेहूँ है या प्लांट से बनी चीज़ें हैं, उनमें स्टार्च पाया जाता है। तो स्टार्च की उपस्थिति का एक प्रैक्टिकल यह था, किसी भी क्लास में हो सकता है। मेनली ये कक्षा 11 के छात्र हैं और ये बना रहा है इसमें स्टार्च, काला नीला, देखिए काला नीला, ये इनका पराठा है और काला नीला एक। थैंक यू। ये एक प्रतिबंध होता है, क्या कौन सा प्रतिबंध होता है?
ये खाद्य पदार्थ क्या है? सर मैगी है। और मैगी है जी। मैगी में किस चीज की उपस्थिति के लिए प्रैक्टिकल है आपका? सर स्टार्च। इसमें स्टार्च मैगी में स्टार्च है कि नहीं ये पता करें, ठीक है? आप मैगी, ये मैगी का एक नूडल है मैगी नूडल, ठीक है? मैगी नूडल है तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? स्टार्च। स्टार्च है कि नहीं, विभिन्न खाद्य पदार्थों में जो स्टार्च की उपस्थित है ये पता रहे। तो इसमें ये क्या डाले आप? आयोडीन। ये है आयोडीन, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन। पहले एक बार डाल के देखिए, दो से तीन गुट डालेंगे और ये अगर काला है, काला नीला रंग हो गया तो इसमें स्टार्च है और ये काला नीला हो गया। काला नीला हो गया जी। तो ये देखिए, ये भी काला नीला इसमें आ रहा है मैगी में। मैगी में भी काला नीला अगर उसका रंग आ गया है तो इसका मतलब मैगी में भी क्या है? स्टार्च की मात्रा है, ठीक है? ओके।